हेलो दोस्तों, यूपी आर्बिनल के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी विद्यार्थी यूपी आर्बिनल में आई हुई वैकेंसी को अप्लाई नहीं किए हैं, वो जाके अप्लाई करें और यूपी आर्बिनल की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यूपी आर्बिनल के लिए हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिना त्याग किए जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए सुबह जल्दी उठो और अपनी परेशानियों पे टूट पड़ो। ये परेशानियां दोस्तों यही आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, इनको अपने रास्ते से हटाओ और फिर कामयाबी की ओर लगातार बढ़ते रहो। दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यूपी आर्बिनल की एग्जाम का 10 दिन बचेगा, ओनली 10 डेज, इस 10 डेज में हम लोगों ने एक ऐसा दोस्तों रणनीति रचा है, एक ऐसा सीरीज तैयार किया है। ये सीरीज लगातार यूट्यूब पे 10 दिन चलने वाली है और दोस्तों इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, उन प्रश्नों का 100% दोस्तों एग्जाम में आने का चांस रहेगा। और उन एग्जाम को दोस्तों मुख्य बात यह है इस सीरीज के अंदर कि उन सभी प्रश्नों को हम लोग केवल उतने ही समय में सॉल्व करेंगे जितना समय आपको मेन एग्जाम में मिलेगा, यानी कि जितना मिनट जितना सेकंड मेन एग्जाम में आपको मिलने वाला है उतना ही समय उतना ही सेकंड आपको इस मॉक टेस्ट के अंदर मिलने वाला है, यानी कि उतने ही सेकेंड में उस प्रश्न को सॉल्व करा जाएगा। दोस्तों ये टेस्ट आपको इस प्रकार से फील करा दूंगा मैं कि आप ये समझेंगे कि हम किसी मॉक टेस्ट में नहीं, हम यूपी आर्मिनल के मेन एग्जाम में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े और इस टेस्ट का आप लाभ उठाएं। चलिए अगर दोस्तों सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, भोले बाबा महादेव बाबा का महीना स्टार्ट हो गया है। देखिएगा, चल रानी कैलाश में भोले बाबा की तलाश में, थोड़ी मेहनत अपने हाथ की बाकी सब भोलेनाथ की। तो दोस्तों इस भोलेनाथ के महीना में हम लोगों ने यूपी आर्बिनल के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत अपनी रहेगी बाकी सब कृपा भोलेनाथ की। तो इस महादेव की सौगंध, इस प्रश्न यानी कि इस क्लास के अंदर दोस्तों जितने भी प्रश्न होने वाले हैं ना, उन सभी प्रश्नों को देखिए पूरे विस्तार पूर्वक हल करने वाले हैं। तो चलिएगा इस क्लास का प्रारंभ करते हैं। देखिएगा दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने होगा बस चंद सेकंड के अंदर, यानी कि 71 से दोस्तों ये क्लास स्टार्ट है। हम लोगों ने लगातार क्या 70 प्रश्नों को लगातार सॉल्व किया है। वो प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो महत्वपूर्ण नहीं अति महत्वपूर्ण है, वो यूपी आर्मिनल के अंदर दोस्तों पूछे गए सवाल हैं, उनको पूरा डिटेल पूरा विस्तार पूर्वक मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, किसी ट्रांसफार्मर के आंतरिक फॉल्ट को जानने के लिए किस प्रकार के रिले का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, अपने जीवन के केवल 30 मिनट निकालिए, इस 30 मिनट को दोस्तों इस क्लास के अंदर आप लगाइए, यकीन मानिए ये 30 मिनट का अंदर आपको बहुत कुछ रिजल्ट देने वाला है। देखिएगा दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में आंतरिक फॉल्ट को जानने के लिए किस प्रकार के रिले का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस रिले का नाम है बकोज रिले। अब अगर आपसे ये पूछ देना कि ये जो बकोज रिले है ट्रांसफार्मर के अंदर ये कहाँ पे लगा होता है, तो आप ध्यान देना दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है, नोट करना, मेन टैंक और कंजर्वेटर, क्या मेन टैंक दोस्तों और कंजर्वेटर, इस इन दोनों के बीचों बीच में लगा होता है बकोल्ज रिले। नोट करना, बकोल्ज रिले दोस्तों, ये बकोज रिले किस प्रकार की फॉल्ट को, किस प्रकार की फॉल्ट होने पर ये सूचना देता है, सबसे पहले जानिए, ये ट्रांसफार्मर की केवल इंटरनल फॉल्ट के बारे में सूचना देता है। और इस ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सा फॉल्ट होता है तो आप नोट कीजिएगा, सबसे पहला अगर दोस्तों जो फेज होता है ना, इस फेज का अगर जो इंसुलेशन होता है, फेज का इंसुलेशन अगर हट गया हो,
फेज का इंसुलेशन अगर हट गया हो उस कंडीशन में ग्लूकोज रिले ऑपरेट हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों, अगर इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है उस दरमियान भी ग्लूकोज रिले ऑपरेट हो जाएगा। और तीसरा दोस्तों, तीसरा नोट कीजिएगा, क्या इसके अंदर बुश लगे होते हैं? क्या ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों बुश लगे होते हैं? ये जो बुश होते हैं ना, ये जब पंचर हो जाते हैं, पंचर होने की स्थिति में भी ग्लूकोज रिले ऑपरेट हो जाते हैं। ये तीनों के तीनों फॉल्ट ना, ये ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाला फॉल्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ दे कि रिएक्टेंस रिले का यूज कहां किया जाता है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, जो ट्रांसमिशन की शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होते हैं ना, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, वहां पे इस रिएक्टेंस प्रकार के रिले का इस्तेमाल किया जाता है। इम्पीडेंस रिले के बारे में लिखिएगा, ये मध्यम ट्रांसमिशन लाइन, कहां मध्यम ट्रांसमिशन लाइन। और महो दोस्तों, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, क्या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम महो रिले का यूज करते हैं। अगर ओवरलोड रिले के बारे में जानना हो तो ये कहां पे, ये स्टार्टर के अंदर, क्या स्टार्टर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ग्लूकोज रिले। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीसी से बने पोल के द्वारा कितने वोल्ट तक के पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नोट कीजिएगा दोस्तों, यहां पे ये ऐसे सवाल है ना जो आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, है ना। आप यहां पे देखेंगे तो 12 जुलाई 2015 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि ये 22 जुलाई 2015 में दोस्तों जो एग्जाम हुआ था ना, उसका क्वेश्चन है। अब देखिएगा, आरसीसी का फुल फॉर्म लिखेगा, सबसे पहले लिखेगा आरसीसी का फुल फॉर्म, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ये दोस्तों इसका पूरा नाम होता है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको पूरे सीरीज के बारे में बता दे रहा हूं। अगर आपसे पूछ ले कि लकड़ी का पोल, क्या लकड़ी का जो पोल होता है ना, इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, तो आप लिखना 230 वोल्ट से लेकर 415 वोल्ट, क्या 230 वोल्ट से लेकर 415 वोल्ट तक में हम लकड़ी के पोल का इस्तेमाल करते हैं। अब लिखेगा आरसीसी पोल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो नोट करना दोस्तों, 11 केवी से लेकर 33 केवी, क्या 230 वोल्ट से लेकर 11 केवी तक की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। इसी के साथ में लिखेगा, जो आयरन के होते हैं, क्या जो आयरन के पोल होते हैं ना दोस्तों, ये आयरन के पोल का इस्तेमाल 11 केवी से, यानी कि 33 केवी लाइन में आयरन वाले पोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ में लिखे, जो टावर होते हैं, किसके, स्टील टावर होते हैं ना, इस टावर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो लिखना 11 केवी से लेकर 765 केवी, क्या 11 केवी से लेकर 765 केवी तक की ट्रांसमिशन लाइन में इसका उपयोग करते हैं। आरसीसी पोल का उपयोग लिखे दोस्तों, ये ट्रांसमिशन नहीं, ये केवल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। और लकड़ी का पोल भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ही किया जाता है, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 230 वोल्ट से लेकर 11 केवी तक का आरसीसी पोल का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीबी प्रकार के सर्किट ब्रेकर में बनने वाले आर्क को किसकी मदद से रोका जाता है। अब ध्यान देना, क्या यहां पे देखें दोस्तों, एसीबी का पूरा नाम लिखेगा, एयर सर्किट ब्रेकर। अगर पूछ दे कि ये एसीबी है क्या, तो आप लिखना, ये एक प्रकार का ब्रेकर है। किसको ब्रेक करता है, नोट करना, ये परिपथ को ब्रेक करता है। किसको, परिपथ, यानी कि सर्किट को ये ब्रेक करता है। ये किस, यानी कि किस प्रकार से सर्किट को ब्रेक करता है, तो आप लिखना, ये हवा के माध्यम से। किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया आंसर। अगर दोस्तों ये पूछ देना कि इस दाब युक्त हवा का प्रेशर कितना होता है, तो आप लिखना 50 से
60 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर इस हवा का प्रेशर होता है। इसी हवा के कारण ये जो आर्क बनता है ना, आर्क को बुझाता है। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, याद दिलाता हूँ कि एसीबी के अंदर ना किस प्रकार से स्पार्किंग, इस आर्क का मतलब क्या होता है, लिखेगा इसका मतलब होता है स्पार्किंग। क्या इसका मतलब दोस्तों? स्पार्किंग होता है स्पार्किंग। अब देखिए इसके अंदर इस प्रकार से कॉन्टेक्ट बने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से तीन कॉन्टेक्ट बने होते हैं ऐसे। ये कॉन्टेक्ट क्या होते हैं? जब सर्किट ऑन होती है ना, तो ये इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं, यहां इस प्रकार से जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही सर्किट दोस्तों ब्रेक होता है, उस कंडीशन में क्या होता है आप देखिएगा, उस कंडीशन में इस प्रकार से होता है, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना इनके, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना, ये खुल जाते हैं, इस प्रकार से ये खुल जाते हैं। यानी कि जब ये असंपर्कित होते हैं, उस वक्त हाई वोल्टेज होने के कारण यहाँ पे आर्क जनरेट होता है, स्पार्किंग जनरेट होती है। इसी स्पार्किंग को समाप्त ये दाब युक्त हवा करता है, ठीक है। इस हवा का प्रेशर कितना होता है? तो लिखेगा 50 से 60 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, चोट लगे व्यक्ति को प्राथमिक उपचार हेतु घावों के लिए किस प्रकार के मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अगर मैं इसका जस्ट उल्टा आपसे पूछूं कि एक ऐसे क्रीम का नाम बताइए, सॉरी, एक ऐसा अगर आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि इस फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करने के लिए इस विश्व में सबसे अधिक किसका योगदान है? अगर ऑप्शन दे दिया जाए दोस्तों, लड़का और लड़की, क्या अगर ऑप्शन में लड़का और लड़की दे दिया जाए, लड़का और लड़की, तो सबसे अधिक वोटिंग किसका होगा? तो दोस्तों सबसे अधिक वोटिंग होगा लड़की का और सबसे कम लड़के का। यानी कि फेयर एंड लवली का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? लड़कियों के, लड़कियां सबसे अधिक यूज करती हैं। दोस्तों अगर ये पूछा जाए ना ये किस प्रकार का क्रीम है, तो नोट कीजिएगा, ये स्किन क्रीम है। क्या? स्किन क्रीम होता है। इसी के साथ में देखिएगा, ये जो बीटाडीन होता है, यही इसका करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों अगर ये पूछ दे कि बीटाडीन है क्या, तो आप लिखेगा ये एंटीसेप्टिक क्रीम है, एंटीसेप्टिक क्रीम है। लेकिन आप ध्यान रखना, ये केवल शरीर के बाहरी हिस्सों में घाव है, कहां पे? शरीर के, लिखेगा शरीर के केवल बाहरी हिस्सों में अगर घाव है, तो केवल इसी घाव को ये बीटाडीन खत्म कर सकता है, यानी कि सही कर सकता है, भर सकता है। अगर पूछ दे सोफ्रामाइसिन क्या है, तो लिखेगा ये एंटीबायोटिक है। क्या? एंटीबायोटिक ये क्रीम है। किस प्रकार की क्रीम है? तो नोट कीजिएगा, ये भी एक प्रकार का स्किन क्रीम है ना। किस प्रकार का क्रीम है? स्किन क्रीम। तो चलिए, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बीटाडीन। नेक्स्ट है, यूरेका पदार्थ से बनी तार का प्रयोग कहां पे किया जाता है? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर स्टार्टर में इसका यूज कर किया जाता है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो यूरेका है किसकी मिश्र धातु होती है, तो आप लिखना तांबा तथा निकल का मिश्र धातु होता है। किसका? तांबा और निकल का। इसमें दोस्तों जो 40% होता है ना, वो तांबा होता है, बाकी 60% निकल होता है। अगर ये कह दूं मैं आपसे कि यूरेका किस प्रकार की धातु है, नोट करना, यूरेका जो है ना किस प्रकार की धातु है, तो आप लिखना यूरेका उच्च प्रतिरोध वाली धातु है। कैसा? उच्च प्रतिरोध वाली धातु है। अगर दोस्तों एग्जाम में जस्ट इसका उल्टा पूछ दे, तो आप ध्यान रखना कि जो मोटर स्टार्टर के अलावा इसका यूज ना वहां पर किया जाता है जहां पर हाई रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी ऊष्मा उत्पन्न ना हो सके, जैसे कि प्रतिरोधक, यानी कि रियोस्टेट, इसके अलावा रेगुलेटर। यहां पे दोस्तों हाई रेजिस्टेंस वाले धातु की जरूरत होती है, लेकिन ऊष्मा की जरूरत नहीं होती, इसलिए हाई रेजिस्ट होने के बावजूद भी इसमें
ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता, इसलिए यूरेका का इस्तेमाल रियोस्टेट रेगुलेटर और मोटर स्टार्टर में इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं ले सकते है ना, क्योंकि अगर हल्के में ले लेंगे ना दोस्तों तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। देखिए दोस्तों महादेव की सौगंध, अगर ऐसा प्रश्न आ गया ना एग्जाम के अंदर तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। देखिए विद्युत एक्सेसरीज चाहे वो स्विच हो, सॉकेट हो या होल्डर हो, किस पदार्थ से बनाए जाते हैं, आप लिखे ना बैकेलाइट से। बैकेलाइट क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का कुचालक है। अगर पूछे क्यों है कुचालक तो आप लिखना जो इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना, क्या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ये बहुत अधिक होती है, क्या बहुत अधिक होती है, इसलिए ये कुचालक है। और बैकेलाइट एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ के पावर मापने की दो वाट मीटर सिस्टम में पावर का कुल मान कैसे जोड़ा जाता है। आप ध्यान रखना दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, किसी भी परिपथ का पावर मापना है लेकिन दोस्तों उस परिपथ में दो वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो दो वाट मीटर सिस्टम है ना इस सिस्टम के द्वारा किसी परिपथ का पावर मापा जाता है, क्या पावर। दोस्तों ये जो ऑप्शन है सारे के सारे गलत है। अब देखिएगा अगर आपसे दो की जगह पे एक लिखा हो तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, अगर एक वाट मीटर लिखा हो दोस्तों, एक वाट मीटर की बात करें तो लिखेगा इसका जो पावर मापने की सूत्र होती है ना, अगर एक वाट मीटर में दोस्तों एक ही वाट मीटर लगा हुआ है तो एक इसका जो पावर मापने की विधि होगी वो होगी 1P। अगर परिपथ में दो वाट मीटर लगे हैं तो इसका जो पावर मापने की फार्मूला होगा वो होगा 2P, अगर तीन लगे हो दोस्तों तो 3P है ना। इसी प्रकार से अगर दो वाट मीटर विधि है, क्या दो वाट मीटर विधि यानी कि दो वाट मीटर सिस्टम के द्वारा परिपथ का पावर माप रहे हैं तो इसका सूत्र जो होता है वो होगा, अगर इसमें होगा दोस्तों P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि जैसे वाट मीटर की संख्या बढ़ती जाएगी ये भी इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। अगर तीन वाट मीटर है, नोट करना, अगर तीन वाट मीटर सिस्टम है तो इसके लिए जो पावर ज्ञात करने का सूत्र होगा वो होता है टेन थीटा बराबर √3 P1 - P2 / P1 + P2। अगर यहां से आपको फेज एंगल के बारे में पूछे तो लिखेगा थीटा बराबर टेन इनवर्स √3 P1 - P2 / P1 + P2। ये इसका दोस्तों पूछा है कि कुल मान को कैसे जोड़ा जाता है, अगर एक वाट मीटर है तो इस प्रकार से जोड़ा जाएगा, दो वाट मीटर विधि है तो इस प्रकार से, तीन वाट मीटर विधि है तो इस प्रकार से। अगर दोस्तों इसमें फेज एंगल के बारे में पूछ देना तो इसको आप करेक्ट करना, वैसे इसमें से दोस्तों कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एसी पावर के किसी भी परिपथ के किस मान को मापा जाता है। दोस्तों एसी का फुल फॉर्म लिखेगा एसी है ना, इस एसी का पूरा नाम लिखेगा अल्टरनेटिंग करंट यानी कि हिंदी में कहें इसको तो प्रत्यावर्ती धारा। एसी पावर के किसी भी राशि को किस मान में मापा जाता है उसको हम औसत आरएमएस मान कहते हैं। इस आरएमएस का पूरा नाम लिखेगा रूट मीन्स स्क्वायर। दोस्तों रूट मीन्स स्क्वायर होता क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। अगर देखिए ये है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, क्या 10 डिग्री सेल्सियस तापमान। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अगर इस 10 यानी कि डीसी वोल्टेज है हमारे पे, क्या हमारे पास डीसी का 10 वोल्टेज है, डीसी का 10 वोल्टेज
अगर डीसी का 10 वोल्टेज मान 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्पन्न कर, मतलब कि 10 डिग्री जो है ना वोल्टेज, ये वोल्टेज 10 डिग्री में ही 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्पन्न कर दे रहा है, तो एसी जो है ना, जो एसी पावर है दोस्तों, वो इस 10 डिग्री सेल्सियस तापमान को उत्पन्न करने के लिए कितना वोल्टेज खपत करेगा, है ना। मान लीजिए कि एसी जो है ये 30 वोल्टेज खपत करने के बाद 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्पन्न कर रहा है, लेकिन जो डीसी है ये केवल 10 वोल्टेज खपत करने पे ही 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्पन्न कर देता है। यानी कि जिस मान पर ये एक समान तापमान उत्पन्न कर देते हैं उसी मान को आरएमएस मान कहते हैं ना, उस मान को क्या, आरएमएस मान कहते हैं। यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगर आपसे एवरेज मान के बारे में पूछे, अगर यहाँ पे दोस्तों एसी की जगह डीसी लिखा होता ना, तो आप इस एवरेज मान को करेक्ट आंसर कहते हैं ना। एवरेज मान केवल डीसी में होता है और आरएमएस मान केवल एसी में होता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखें। देखिएगा, कितने डायोड लगने के बाद हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट तैयार किया जाता है। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि जो मोबाइल का एडॉप्टर होता है ना, मोबाइल चार्जिंग का जो एडॉप्टर होता है, उस एडॉप्टर के अंदर कौन सा रेक्टिफायर लगा होता है, तो लिखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर। दोस्तों इस रेक्टिफायर के अंदर क्या लगा होता है, तो लिखेगा इसके अंदर डायोड लगा होता है। देखिए, मान लीजिए ये है मेरा एडॉप्टर, मोबाइल का क्या है, ये है एडॉप्टर। इस एडॉप्टर को मैंने एसी सप्लाई दिया, मान लीजिए यहाँ से एसी सप्लाई दिया, ये अंदर ही अंदर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आउटपुट क्या निकालता है, डीसी। और यही दोस्तों मोबाइल के फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन के बैटरी को चार्ज करता है। मान लीजिए ये क्या है, ये है बैटरी, इस बैटरी को डीसी चाहिए, डीसी यही एडॉप्टर के अंदर ही कन्वर्ट हो जा रहा है। कन्वर्ट कौन कर रहा है, डायोड इस हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो कि लगा हुआ है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक ही डायोड लगा होता है। अगर आपसे ये पूछे ना कि हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता बताइए, तो आप लिखिएगा दोस्तों 40.6% इसकी दक्षता होती है। अगर फुल वेव के बारे में पूछे कि सॉरी इसका केवल दोस्तों ए आंसर होगा, ऑप्शन ए, यानी कि एक ही डायोड होगा। अगर फुल वेव के बारे में पूछे ना, तब लिखेगा इसमें दो डायोड होता है, लेकिन दक्षता इसका दोस्तों 80.2%, यानी कि 80.2% फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पूछ दे, तो आप लिखेगा 4 डायोड इसमें होते हैं। वैसे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा, किसी भी परिपथ का सबसे कमजोर युक्ति करंट के किस प्रभाव पर कार्य करता है। सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, किसी भी परिपथ का सबसे कमजोर जो युक्ति होता है, हम उसको फ्यूज कहते हैं। क्या? उसको हम फ्यूज कहते हैं। दोस्तों ये जो करंट होता है ना, करंट के उष्मीय प्रभाव पर ये काम करता है। उष्मीय प्रभाव कहाँ पे? उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। अब देखिए, उष्मा को ही हम हीट कहते हैं ना, उष्मा को ही हीटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होता है कि ये फ्यूज, यानी कि सर्किट के अंदर जैसे ही निर्धारित मान से अधिक मान का करंट फ्लो होने लगता है, उस वक्त एक उष्मा उत्पन्न होती है, और फ्यूज के अंदर ना जो पतली सी दोस्तों वायर लगी होती है, वो उष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा वो पिघल जाती है, जिससे ये टूट जाती है यहाँ से, और फिर सर्किट हमारी ब्रेक हो जाती है, मेन सप्लाई से हट जाती है। अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रकाशीय प्रभाव, करंट का प्रकाशीय प्रभाव का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो आप लिखेगा बल्ब के अंदर। अगर चुंबकीय प्रभाव, तो लिखेगा मोटर और ट्रांसफार्मर में। रासायनिक प्रभाव का यूज दोस्तों, लिखेगा सेल तथा बैटरी में, सेल तथा बैटरी में। अगर एक्सरे प्रभाव की बात करें, तो दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र में, नोट कीजिएगा, चिकित्सा क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों 10 सवालों को हमने फटाफट सॉल्व कर लिया है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपको केवल वही पॉइंट लिखाता हूँ, वही पॉइंट आपके सामने बताता हूँ जो एग्जाम में आ चुका है, या फिर एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर पूछा जाएगा। कोई भी पॉइंट, कोई भी दोस्तों पॉइंट मैं आपको मिस पॉइंट के रूप में नहीं बताता, कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि मैं आपको
फ्यूज के बारे में बताया, जीवन में कभी भी एग्जाम में फ्यूज के बारे में आएगा ही नहीं, ऐसे पॉइंटों को मैं कभी भी आपके सामने पेश नहीं करता। लेकिन दोस्तों अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको 5% या 2% एक्स्ट्रा लेवल का आपको जानकारी रखना ही होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर किस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आकर खड़ा हो जाए उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। आपको जवाब देंगे, आप जवाब देंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। इसलिए आप हमेशा अपनी तैयारी को हाई लेवल पे लेके चले, है ना, हाई लेवल पे लेके चलेंगे दोस्तों तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत ही दमदार और बहुत ही शानदार होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 10 सवालों को हल किया है। अगर ये क्लास दोस्तों मेरा पढ़ाने का कंटेंट या फिर तरीका अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इस क्लास को देखने के बाद ना अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ आपके साथ मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।